सवाल है, अमित शाह की कल रायबरेली में रैली हुई, वहाँ एक पत्रकार को सर पीटा गया, उस पर आप कुछ कहेंगे? गलत है, पत्रकार को नहीं पीटना चाहिए। अमित शाह की रैली में ऐसा हुआ? नहीं, पत्रकार को पीटना नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लोगों को भी संभल के बात। आप जैसे लोगों को भी संभल के। प्रधानमंत्री सर, चुनाव सांसद का या प्रधानमंत्री? आपसे हम अभी बात। ये तो सवाल, ये आपके भाषण का हिस्सा था इसलिए पूछ रहा हूँ, चुनाव सांसद का है या प्रधानमंत्री है लद्दाख के? उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय चैनल पे इस बात को स्वीकार किया, ये झूठा प्रोपेगेंडा था, इस पर क्या कहेंगे? ये केस चल रहा है और सजा होगी। सर क्या क्या मुद्दे, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो भारत माता की जय वर्सेज भारत के टुकड़े टुकड़े है। टुकड़े टुकड़े वाली बात जो आप कर रहे हैं वो तो डॉक्टर्ड वीडियो थी, ये तो सामने भी आ चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि ये फेक नैरेटिव एक पुश किया जा रहा है? केस क्यों चल रहा है? लेकिन सर ये तो प्रूव हो गया ना कि चैनल्स पे जो चीज चली थी वो डॉक्टर्ड थी, वो वीडियो गलत थी। केस चल रहा है और केस चल रहे हैं, सजा होगी। लेकिन काफी समय हो गया ना, तो लद्दाख के उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय चैनल पे इस बात को स्वीकार किया, ये झूठा प्रोपेगेंडा था, इस पर क्या कहेंगे? ये केस चल रहा है और सजा होगी, जो देश टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं ना, और कृपया आप जैसे लोगों को उनका वकील नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं वकील, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। आप जो आरोप लगा रहे हैं, केस खत्म हो गया। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो वीडियो डॉक्टर्ड है, ये तो कहा जा चुका है। एनबीडीएसए ने, जिस चैनल ने ये वीडियो चलाया उसको कंप्लेंट पेनल्टी भी लगाई। आपको पता नहीं है, केस चल रहा है, जाके नॉमिनेशन फाइल पड़ी है उनका। आपको इस तरह से फेक न्यूज नहीं फैलाना चाहिए। फेक न्यूज सर मैं तो कह रहा हूँ, जो बीजेपी के एमपी हैं उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय टीवी पे ये बात बोली है ना कि कन्हैया है, और आप इस तरह की बातें मत किया करो। आप लोगों को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। सर मैं तो कह रहा हूँ फेक न्यूज। अच्छा दूसरी बात, आप जो कह रहे हो सर, ये चुनाव सांसद का या प्रधानमंत्री? आपसे हम अभी बात। ये तो सवाल, ये आपके भाषण का हिस्सा था इसलिए पूछ रहा हूँ, चुनाव सांसद का है या प्रधानमंत्री? सांसद चुनने से प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, क्या है, नहीं सच्चाई है क्या? सांसद 43 सीटों पे मोदी के नाम से ही वोट मांगा जा रहा है, क्या कारण है? प्रधानमंत्री बनाना है मोदी जी को। अच्छा, लेकिन आपने कहा ना कि दिल्ली की जो दूसरी चाबी है वो भी मोदी के हाथ में दे दी है, तो ऐसा लगता है कि एक ही नाम से वोटिंग के लिए। डबल इंजन का मतलब समझो प्यारे। तो डबल इंजन के लिए स्टेट सेंसर, उसमें जितनी दिक्कतें हैं उसका कारण क्या होगा? तो जो सरकार दोषी है उसको हटाएंगे। अमित शाह की कल रायबरेली में रैली हुई, वहाँ एक पत्रकार को सर पीटा गया, उस पर आप कुछ कहेंगे? गलत है, पत्रकार को नहीं पीटना चाहिए। अमित शाह की रैली में ऐसा हुआ? नहीं, पत्रकार को पीटना नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लोगों को भी संभल के बात। आप जैसे लोगों को भी संभल के बात।